हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब देखें ज़ैनब और हलील जो आप दोनों क्या करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ज़ैनब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगी क्योंकि उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, स्पेशली हलील के जो फादर की मेमोरीज थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया इंटेंशनली। ज़ैनब बहुत ज़्यादा उसके लिए सैड होगी, लेकिन ज़ैनब सब कुछ फिक्स करने की कोशिश करेगी और ज़ैनब को पता लग जाएगा हलील ने कुछ नहीं किया उसके लैंड के साथ, और वो जो केमिकल है वो देखे फ्रेंड्स किसने किया है। लेकिन हलील बहुत ज़्यादा एंग्री होगा और ज़ैनब सब कुछ फिक्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन हलील ज़ैनब को कुछ भी फिक्स करने नहीं देगा, बल्कि जितनी रिमेनिंग चीज़ें पड़ी होंगी हलील खुद उसको डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि ज़ैनब पर बहुत ज़्यादा एंग्री है हलील। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हलील और ज़ैनब के दरमियान यूनिफाइड कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो मारवे है वो ट्रबल में फंस जाएगी और ज़ैनब के पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको हेल्प करने का उनको पैसों की वजह से। अब देखें फ्रेंड, ज़ैनब को मारवे की हेल्प करने के लिए जो है जाना पड़ेगा, लेकिन हलील सारी चीज़ों को सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड कर लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हलील ज़ैनब को फॉलो करेगा और ज़ैनब और हलील के दरमियान फिर से ट्रबल होगी। तो होपफुली फ्रेंड्स हलील को पता लग जाए कि ज़ैनब सब कुछ मारवे के लिए कर रही है, और ज़ैनब जो है आप देखें क्या करती है, क्योंकि ज़ैनब बीच में जाएगी उससे मिलने, और हलील भी उसको फॉलो करेगा क्योंकि ज़ैनब मारवे को इस ट्रबल से जो ट्रैप उसके अगेंस्ट जो इन्होंने सेट किया उसे बचाना चाहती है। लेकिन अब ज़ैनब खुद बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस जाएगी, और अब देखें फ्रेंड्स हलील सब कुछ मिसअंडरस्टूड करेगा और हलील की फ़ाइट होगी और बहुत ज़्यादा जेलसी क्राइसिस हम देखेंगे हलील के। तो देखें फ्रेंड्स, ज़ैनब और हलील के दरमियान सब सारी चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि डे बाय डे इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इंक्रीज़ हो रही है। तो देखें फ्रेंड्स, जो राइटर है वो क्या करता है ज़ैनब और हलील के साथ स्टोरी में क्या बिगेस्ट ट्विस्ट आता है। होपफुली हलील कुछ भी मिसअंडरस्टूड ना करे और ज़ैनब को सब कुछ हलील को बता देना चाहिए कि मारवे के बारे में, कि वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि फ्रेंड ज़ैनब हलील को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो कभी भी हलील से हेल्प नहीं लेना चाहती। तो देखें फ्रेंड, अब ज़ैनब और हलील कब तक ये बिहेवियर रहेगा और इन दोनों की लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से और कितनी ज़्यादा इनको ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इंटू द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू।